देवास में युवा कांग्रेस ने बिजली बिलों को लेकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने रैली निकालते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी नेता को स्मरण पत्र सौंपा है। युवा कांग्रेसियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार ने बिजली बिलों को माफ करने का वादा किया था, लेकिन अब उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूले जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट बताया। पदाधिकारी नेतागण और कार्यकर्तागण को ये स्मरण दिलाने के लिए हमें पत्र सौंपना था। हम दूसरी चौराहे से निकले और हमें यहाँ सयाजी द्वार पर रोक लिया गया। हमारे कुछ साथी भाजपा कार्यालय पे वो स्मरण पत्र देकर भी आए हैं, उन्हें भाजपा जिलाध्यक्ष को देकर आए हैं और ये याद दिलाने गए थे। कोरोना काल में बिजली के बिल माफ करने की घोषणा दी थी, कोरोना काल में मृत परिवार के सदस्यों को एक एक लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा करी थी, लेकिन दोनों घोषणाएं आज तक मूर्त रूप नहीं ले पाई है। बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आई थी। निश्चित रूप से विपक्ष का काम होता है आंदोलन करना बिना मुद्दों को लेकर। वो कांग्रेस ही बिजली के बिल लेकर जिला कार्यालय पर आए थे। मैंने उनसे कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा की है उसका अक्षर का पालन होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम अपने वादों से नहीं उतरते।